केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने वाला बजट है। बजट में सुस्पष्ट व प्रभावकारी परिणाम देखने को मिले हैं तथा बजट पारित होने के बाद पहली बार देश के शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। एक सवाल के जवाब में प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में किसान की जमीन नहीं छीनी जाएगी तथा एमएसपी पहले की तरह ही लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एमएसपी की गारंटी लिखित में दी गई है कि सरकार सदैव किसानों से एमएसपी पर ही अनाज की खरीद करेगी। उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड सरकार को 11 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत हुई तो मानवता की सेवा के लिए भी स्वयंसेवी प्रदेश से भेजे जाएंगे। वर्तमान में कैप्टन भूपेंद्र सिंह उत्तराखंड सेवा के लिए गए हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट पर उन्होंने कहा कि देश के तीन आर्थिक विकास के सूत्रधार संपत्ति सोना व शेयर बाजार में एक साथ बढ़ोतरी हुई है और देश के आर्थिक सुधार विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही हितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठे साल में पेश बजट में अनाज खरीद के लिए 127% ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 34,000 करोड़ से बढ़ाकर 71,000 करोड़ रुपए गेहूं खरीद पर खर्च करने, धान की खरीद पर 63,000 करोड़ से 1.72 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 35 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ है और इसमें 15 लाख करोड़ का शेयर बाजार में उछाल आया है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि दलहन क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए, कपास के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार सभी को मिलाए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त की राशि अनाज के लिए रखी गई है। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ 100 सैनिक स्कूल खोलना एक मिसाल है। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। हेल्थ सेक्टर जहां कोविड की वैक्सीन ने भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भारत की वैक्सीन वर्ल्ड वैक्सीन है, रेट के हिसाब से और टेम्परेचर्स के जिस लेवल पर उसको संरक्षित किया जाएगा उस हिसाब से, और दुनिया के अनेक देश हमारी वैक्सीन को चाह रहे हैं, उनको दी जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का उल्लेख करने में, जब ब्राजील को हमारी वैक्सीन मिली तो हनुमान जी का चित्र लगा के उनको धन्यवाद कि हनुमान जी जैसे संजीवनी लेके जा रहे हैं ऐसे कोविड की वैक्सीन का उन्होंने सहयोग दिया। ये बहुत ही मेरे लिए भी और मेरे ख्याल से हर भारतीय के लिए, हर घटना का चुनाव पर असर होता है, कोई घटना ऐसी नहीं होती जिसका चुनाव पर असर नहीं होता, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य लोगों के सामने जब स्पष्ट होते हैं तो उसके परिणाम दोनों तरफ होते हैं, एक ही तरफ नहीं होते। जो कानून किसानों का शोषण रोकने के लिए बनाए गए हैं, आंदोलन शोषण के खिलाफ हुआ करते हैं, कानून अच्छी है, किसी पर जबरन लागू नहीं किया। मैं चाहूं तो बाहर बेचूं, मैं चाहूं तो मंडी में बेचूं, तो मुझे कानून हटवाने की जरूरत क्या है जब मेरी छूट है? मैं चाहूं तो कंटेक्ट करूं, मैं चाहूं तो नहीं करूं, जब मेरी छूट है तो कोई जबरन कानून तो नहीं है। पहली बात, कानून जबरन नहीं है, सबको छूट है कि वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो बाहर बेचे, वो चाहे तो कंटेक्ट करें, चाहे तो कंटेक्ट ना करें। केवल अंदेशे खड़े किए गए, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और अंदेशे भी तथ्यात्मक नहीं भी होता है। तो 4 दिन बाद ये चर्चा करने का औचित्य क्या है? देखिए, बहुत सारी चीजें नीचे तक नहीं पहुंचती, सब लोग उस प्रकार से बजट, इस प्रकार से आंकड़ों के साथ हिसाब से सारे बजट को एक ही बार में समझ लेना ये संभव भी नहीं होता है। तो विभिन्न प्रकार के लोग जब उसकी व्याख्या करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं उस पक्ष पर भाषण करते हैं तो और गहराई के साथ उसके पक्ष नीचे तक जाते हैं, और इसीलिए देश भर में पार्टी ने इस प्रकार के आयोजन किए हैं। अभी तो और हम इसको चलाने वाले हैं, सप्ताह भर 13-14 फरवरी तक ही हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम अभी और होंगे, देश भर में होंगे। सभी सांसदों को भी हर जिले में कहा है, मंत्रियों को कहा है, पार्टी कैडर्स को कहा है, नीचे तक हम इसको चर्चा करेंगे। क्या ये किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने का एक प्रयास नहीं है? ये किसान आंदोलन तो खुद भटक गया है, और किसान आंदोलन अब एक पॉलिटिकल आंदोलन है।
उसमें अब सब भाषण पॉलिटिकल हो रहे हैं। आज मैं अभी खबर देख रहा था किसी पंचायत में प्रियंका जा रही है, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद राहुल जी का नंबर भी आ जाए। राजेवाल का भाषण पिछले जो है कितवाना चौड़ पर पूरी तरह से पॉलिटिकल था कि बादल को हमने वापस बुला लिया या यहाँ के नेताओं के नाम में थे कि वापस बुलाने के लिए दबाव डालो, और किसान आंदोलन के लोग उन तीनों कानूनों में कुछ भी काला बताने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, केवल नियत पर बात कर रहे हैं। भाषण करने वाले कांग्रेस के लोग भी नियत पर बात कर रहे हैं, और नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा। नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए, नियत तो उनकी काली थी, इसलिए वो लोग नियत पर बात कर रहे हैं। इसलिए वो तो आंदोलन अब जो है वो राजनीतिक आंदोलन हो गया है, शुरुआत किसान आंदोलन के नाम पर थी ना, वो अब पूरी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।